अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं डिफर मजा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट वर्सेस म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि भाई हमें अपने पैसे आज के इस दौर के अंदर अपने सेविंग अकाउंट के अंदर रखने चाहिए या हमें ये जो पैसा है ये म्यूचुअल फंड के अंदर रखना चाहिए, हमें कहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा और इन दोनों के ऊपर क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं इसकी मुकम्मल डिटेल बताई जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल से ये बात बताऊंगा कि अगर आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं तो आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, और यही पैसा अगर आप अपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर रखते हैं तो वहां पे आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज हैं वो देखने को मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आपका जो पैसा बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने पैसे को किसी सेविंग अकाउंट के अंदर, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर या कभी गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ मिडल मैन लोग भी आ जाते हैं जिन लोगों का ये मसला होता है कि भाई वो अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास पैसे कम होते हैं, 5, 10 या 15 लाख रुपए तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे उनको मसला आ रहा होता है। अब वो लोग यहां पे परेशान हो रहे होते हैं कि भाई हम लोग यहां पे अपना जो पैसा है वो बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या यही पैसा जो हम अपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहां पे हमें एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की कि सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप पैसे रखते हैं तो आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों जो सेविंग अकाउंट होता है किसी भी बैंक का, यहां पे सबसे पहले जो चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी इंटरेस्ट यानी कि सूद वाले बैंक के अंदर पैसा अपना रखवाएं। आपको यही रिकमेंड करता हूं कि भाई आप अपना पैसा मिजान बैंक के अंदर, बैंक इस्लामी के अंदर या किसी भी ऐसे सेविंग अकाउंट के अंदर रखें जो सूद से पाक हो। अब सूद से जो पाक होते हैं उनका जो प्रॉफिट रेट होता है वो दूसरों से थोड़ा सा कम होता है। फॉर एग्जांपल कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो पाकिस्तान के अंदर 21% चल रहा है और मिजान बैंक आपको जो हाईएस्ट इस्लामिक तरीके से प्रॉफिट दे रहा है वो है 16% का। तो आप लोगों को रिकमेंड मैं यही करूंगा भाई सूद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करनी है, आप लोगों का अपना जो सारा जिम्मेदारी आप लोगों की होगी आप लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पे बात करते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपना पैसा बैंक के अंदर रख देते हैं तो यहां पे आपको क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर अपना पैसा रखते हैं तो यहां पे जो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर आप यहां पे फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो आप अपने पैसे को जब चाहे जिस वक्त चाहे आप अपना पैसा वापस निकलवा सकते हैं। यानी कि यहां पे आप लोगों को अगर आज जरूरत पड़ी है तो आप अपने बैंक के अंदर जाएंगे, आपने चेक या एटीएम लगाना है और आप अपने पैसे को जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। और सेविंग अकाउंट के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहां पे आप अपने पैसों को किसी भी वक्त विड्रॉ करवा सकते हैं और उसके अलावा यहां पे डेली बेसिस के ऊपर आपके पैसों के ऊपर आपको प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा होता है। जो आपको जितने भी बैंक है ये सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको मंथली बेसिस के ऊपर पैसा जो है वो पे कर रहे होते हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है ये आपको मंथली बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा होता है। दोस्तों इसी तरीके से ये जो सेविंग अकाउंट होते हैं इन सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो 30% का मिलता है। यानी कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स जो है वो 30% देना पड़ेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो यही टैक्स जो है वो आपको 15% देना पड़ेगा आपका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट रेट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आ जाता है कि जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनके ऊपर आपको जो टैक्स है वो आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये दो चीजें सेविंग अकाउंट के अंदर हैं, एक तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट रेट जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होता है, लेकिन बेनिफिट ये है कि पैसे जब चाहे निकलवा सकते हैं, और यहाँ पे जो टैक्स है इसका जो थोड़ा सा नुकसान है वो ये है कि यहाँ पे आपके जो पैसे होते हैं वहां पे आपको टैक्स थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कि म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों मैं हाईली यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई किसी भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सेविंग अकाउंट से डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर सेविंग अकाउंट इस वक्त आपको 16% का हाईएस्ट इस्लामिक तरीके से प्रॉफिट दे रहा है तो कोई भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड इस वक्त आपको 18.5 से 19-20% का जो प्रॉफिट है वो दे रहा है, वो भी इस्लामिक तरीके से आपका जो हलाल मुनाफा होता है उसके ऊपर। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड के विड्रॉ, तो आप अगर अपने पैसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो उस विड्रॉ के ऊपर आपको एक दिन जो है वो पहले दरखास्त देनी होती है अपने बैंक के अंदर कि भाई आप हम अपने पैसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं, प्रॉफिट विड्रॉ करवाना चाहते हैं या अपनी जो मेन इनकम है उसको विड्रॉ करवाना चाहते हैं। तो 1 से 2 वर्किंग डेज लगते हैं उन पैसों को आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होते हुए। तो कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है, आप 1 से 2 दिन के अंदर अपने पैसे यहाँ पे विड्रॉ करवा सकते हैं। तो जो पहला बेनिफिट
बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा होता है, लेकिन मसला सिर्फ 1-2 दिन का होता है कि आपके जो पैसे हैं वो 1-2 दिनों के अंदर आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों जो म्यूचुअल फंड के ऊपर सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर जो टैक्स है वो बहुत कम लगता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 20% का टैक्स लगता है, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको आपको जो है वो 10% का जो टैक्स है वहां पर आपका डिडक्ट किया जा रहा होता है। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो टैक्स का रेट है ये भी बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के ऊपर 3 चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप हाई रिस्क के ऊपर काम करते हैं तो आपको रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा, आपको 35% तक का जो प्रॉफिट है वो भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उस 35% के साथ आपको नुकसान जो है वो भी हो रहा होता है। और इसी तरीके से अगर आप लो रिस्क के ऊपर काम करते हैं तो आपके नुकसान की जो शरह है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, और आपका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर शो हो रहा होता है। तो आप लो या मीडियम के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करता हूं कि आप हमेशा म्यूचुअल फंड के ऊपर लो रिस्क के ऊपर काम करें और वहां से अपना जो अच्छा प्रॉफिट है वो जनरेट करें। तो सेविंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आप मुझसे ओपिनियन लेंगे कि हमें कहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो भाई मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड के अंदर, यूबीएल का इस्लामिक कैश फंड है जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिजान बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पैसा जो है वो म्यूचुअल किसी भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और लो रिस्क के ऊपर करें, मीडियम और हाई रिस्क के ऊपर आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप हाई रिस्क के ऊपर भी जा सकते हैं, अगर आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप लो रिस्क के ऊपर काम करें, लो रिस्क के ऊपर आपको नुकसान होता ही नहीं है, ये किसी सूरत में नुकसान होता नहीं है, सिर्फ लिखा होता है कि नुकसान हो जाएगा लेकिन नुकसान होता नहीं है। अब आप अपने पैसे कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप लोगों ने अपने पैसे कहां पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और आपको म्यूचुअल फंड और सेविंग फंड के ऊपर कौन सा जो फंड है वो ज्यादा बेस्ट लगता है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। और ये हमारी आज की वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।